Yeah. <sighs> hello everyone welcome back to my channel so in today's video we are going to learn a one of the very important topic that is lm curve so what is lm curve how it work out everything we are going to cover in this video before that student i have already made video related to is curve so it's my humble request please watch entire video so let's start with the video that is lm curve then first is LM curve is also known as a money market. LM curve also known as a money market. So now how LM curve made equilibrium in money market? That will understand. First point LM curve concerned with the demand and supply of money. It means LM curve help us to understand demand for money and supply of money according to lm curve money market get equilibrium when demand for money equal to supply of money in short lm curve shows combination ऑफर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम एट विच मनी मार्केट इज इन इक्लिबेरियम स्टूडेंट मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि मनी मार्केट उस पॉइंट पर इक्बिरियम होता है जहाँ पर डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों इक्वल हो तो एल एम का कर क्या करता है एल एम का शोज करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम विच विल मेक मनी मार्केट इक्बेरियम एंड मनी मार्केट इक्बेरियम होगा जहाँ पर डिमांड फॉर मनी इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ मनी इन शॉर्ट एल एम का क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को दिखाता है किसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन उनको लाता है और इनकम के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को लाता है एंड विच मेक मनी मार्केट इक्बीरियम और मनी मार्केट इक्बीरियम होगा जब डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी बोथ आर इक्वल देन एल एम कब ऑल्सो गेट इक्लिबीरियम वेन देर इज़ अ हाइयर लिक्विडिटी प्रेफरेंस इक्वल टू मनी सप्लाई सी डिमांड फॉर मनी को हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी बोलते हैं एंड दैट इज़ रिप्रजेंट बाय एल

नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी डिमांड फॉर मनी सो पीपल डिमांड फॉर मनी इट मीन दे डिमांड फॉर अ रियल बैलेंस रियल बैलेंस मींस मीन्स योर रियल इनकम इन हैंड हाउ मच इनकम यू आर हैविंग सो योर रियल इनकम सो पीपल डिमांड फॉर मनी इसका मतलब होता है पीपल डिमांड फॉर रियल बैलेंस एंड वाई वी डिमांड फॉर मनी बिकॉज वी demand for money because we want to purchase like whatever commodity we if we want to purchase then as per that we will demand for money for example if you want to purchase 1 kg onion from a market and the price of 1 kg onion is 200 rupees or we can say the price of one price of 1 kg onion is only 20 rupees so you will demand

अभी प्राइस बढ़ गया है तो सेम क्वांटिटी परचेस करने के लिए इट मीन सेम वन के जी अनियन खरीदने के लिए अब आपको हंड्रेड रुपीज़ चाहिए सो पीपल डिमांड फॉर मनी ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी विच दे वॉन्ट टू परसिड परचेज मतलब हम पैसों का डिमांड जो कमोडिटी हमको परचेज करनी है उसके हिसाब से करते हैं अगर प्राइस कम है तो ऑटोमेटिकली वी विल डिमांड लेस मनी एंड इफ प्राइसेस आर मोर ऑटोमेटिकली वी विल डिमांड मोर मनी टू परचेज सेम क्वांटिटी देन जो डिमांड फॉर मनी है वो किस पर डिपेंड है सो डिमांड फॉर मनी इज बेस्ड ऑन रियल इनकम एंड इंटरेस्ट रेट डिमांड फॉर मनी बेस्ड ऑन रियल इनकम एंड इंटरेस्ट रेट जो डिमांड फॉर मनी है उसका रिलेशन इनकम के साथ डायरेक्ट होता है एंड जो डिमांड फॉर मनी है उसका रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनडायरेक्ट होता है इट मीन दैट डिमांड फॉर मनी एंड इनकम हैविंग डायरेक्ट रिलेशन सो वैन इनकम राइज डिमांड फॉर मनी ऑल्सो राइज। वैन इनकम राइज डिमांड फॉर मनी ऑल्सो राइस बट डिमांड फॉर मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है इट मीन वैन रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज, डिमांड फॉर मनी फॉल क्यों ऐसा होता है बिकॉज सब लोग कि मार्केट में जो जो लोन्स है वो आपको हाई रेट पे मिल रहे तो ऑटोमेटिकली आप कम लोन लोगे और आप डिमांड फॉर मनी कम करोगे सो डिमांड फॉर मनी एंड इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है एंड डिमांड फॉर मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ आर हैविंग इन डायरेक्ट रिलेशन next now we will understand how lm curve make goods market equilibrium again before start the video let me just tell you lm curve shows different combination of a rate of interest and income which will make lm curve equilibrium and lm curve get equilibrium at a point when demand for money equal to supply of money now in the diagram as you can see Y axis indicate rate of interest and X axis indicate income. Then money supply is represented by M that is a vertical straight line. Money supply represented by M that is a vertical straight line parallel to Y axis. Next is एल वन एल टू रिप्रजेंट दैट एल वन एंड एल टू रीप्रजेंट डिमांड फॉर मनी एंड द शेप ऑफ एल एम कव इज अपर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नाउ सपोज योर लेवल ऑफ इनकम इज वाई वन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आई वन तो आपका जो एल एम कव है वो कौन से पॉइंट पे इक्लिबीरियम है ई वन इट मीन दैट एल एम कव क्या कर रहा है आई वन और y1, वन आई वन रेट ऑफ इंटरेस्ट और y1 वन लेवल ऑफ इनकम का कॉम्बिनेशन बता रहा है इसी पॉइंट पे इवन पॉइंट पे आपका डिमांड फॉर मनी है L1, वन एंड सप्लाई ऑफ मनी है M, वो भी किस पॉइंट पे इक्लिबीरियम कर रहे हैं ई पॉइंट में इसका मतलब एल एम कब क्या करता है इट शोज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशन एल एम कव क्या करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम विच मेक मनी मार्केट इक्बेरियम आप देखो डायग्राम में देख रहे हो वैन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आई वन लेवल ऑफ इनकम इज वाई वन सो एल एम कव पे जो मनी मार्केट है वो इक्लिबेरियम होता है ईवन पे कैसे पता चला बिकॉज ईवन पॉइंट में आपका जो मनी सप्लाई है एम और डिमांड फॉर मनी है एलवन वो भी इवन पॉइंट पे ही इक्बीरियम हो रहे हैं नेक्स्ट सपोज योर लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज फ्रॉम वाई वन टू वाई टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम आई वन टू आई टू तो अभी जो एल एम कव है इट विल शो इक्बीरियम बिटवीन इक्ुबीरियम ऑफ मनी मार्केट एट पॉइंट ई टू ई टू पॉइंट पे जो डिमांड कव है जो जो डिमांड फॉर मनी है इट शिफ्ट फ्रॉम एल वन टू एल टू और ये मनी सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रही है ई टू पॉइंट पे सो so, डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट डायग्राम रिप्रेजेंट डायग्राम ये रिप्रेजेंट करता है जस्ट वेट स्टूडेंट डायग्राम ये रिप्रेजेंट करता है कि एल एम का क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन एल एम का क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम को लेता है ठीक है देन आफ्टर वर्ड इट विल शो देयर कॉम्बिनेशन विच विल मेक मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट अगेन करते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आई वन था लेवल ऑफ इनकम वाई वन था और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम था एल एम का ऊपर इवन पॉइंट पे इवन पॉइंट पे आपका डिमांड फॉर मनी एल वन था एंड सप्लाई ऑफ मनी जो है एम तो देखिए आप E1 पॉइंट पे जो मनी मार्केट है वो इक्िबेरियम है सेम हियर जब आपका इनकम वाई वन हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आई टू हो गया और एल एम पे मनी मार्केट इक्बिरियम so, है ई टू पॉइंट पे, ठीक है सो आपका डिमांड फॉर मनी हो गया एल टू एंड आपका जो सप्लाई ऑफ मनी हो गया वो एम है तो आपका न्यू इक्बिरियम पॉइंट है ई टू सो इन शॉर्ट एल एम का

अभी एक क्वेश्चन एक और है कि एल एम कव जो है जो एल कव है वो अपवर्ड स्लोप करता है क्यों अपवर्ड स्लोप करता है बिकॉज रियल इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है मीन्स वैन इनकम इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्रीज एंड वन मोर पॉइंट मनी मार्केट ऑलवेज गेट इक्बेरियम ओनली ऑन एल एमकव इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ LM एमकव मनी मार्केट विल नॉट गेट इक्बीरियम

विच विल मेक मनी मार्केट इक्बीरियम आप देख रहे हो एल एम कव पे हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ़ इंटरेस्ट लिया है एल एम कॉ में देखो कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इनकम लिया है जो मनी मार्केट को इक्लिबेरियम कर रहा है ई वन पॉइंट पर और ई टू पॉइंट पे सो एल एम कव सो एल एम कव इज अ लोकस ऑफ अ पेयर ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ इनकम विच मेक योर मनी मार्केट इक्बीरियम नेक्स्ट इज एल एम कव शोज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम विच मेक डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इक्वल मतलब सेम बात है कि एल एम कव क्या कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट का और लेवल ऑफ इनकम का जो मनी मार्केट को इक्लिबिनियम करता है और मनी मार्केट कब इक्लिबिनियम होता है वैंड डिमांड फॉर मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी नेक्स्ट वन मोर पॉइंट मनी मार्केट इक्बेरियम ओनली ऑन कव. एज वी हैव सीन इन अ डाइग्राम दिस वॉज अ कव. सो मनी मार्केट जो है वो एग्जैक्ट एलम कव पे ही इक्लिबेरियम करेगा नेक्स्ट इज राइट साइड ऑफ एल एम कव शोज एक्सेस डिमांड फॉर मनी जो एल एम कव का राइट हैंड साइड है जो एल एम कव का राइट हैंड साइड है लाइक यू कैन सी इन द डाइग्राम एल एम कव का राइट हैंड साइड मीन्स दिस पार्ट और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड सो एल एम कव का जो राइट हैंड साइड है वो क्या शो कर रहा है एक्सेस डिमांड फॉर मनी एंड जो एल एम कव का लेफ्ट हैंड साइड है वो शो करता है एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी नेक्स्ट इज अभी हमको ये देखना है कि एलेमकाव का स्लोप क्या है तो नाव जस्ट नाव वी हैव सीन इन अ डाइग्राम द स्लोप ऑफ एलेमकाव इज अपवर्ड स्लोपिंग वाई बिकॉज देर इज़ अ डायरेक्ट और वी कैन से पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ इनकम सो एलेमकव स्लोप अपअर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट When rate of interest rise, demand for money fall. But obvious because I told you when there is a higher rate of interest, that time loans are available at very high rate in the market. So that time we demand for money very less. Now next is that. द डिमांड फॉर मनी जो हमारा डिमांड फॉर मनी है इट इज़ अ बिलोंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इट मीन दैट ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिमांड फॉर मनी विल फिक्स फॉर एग्जाम्पल इफ आर डिमांड फॉर मनी इज़ अ रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू वर्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जो एल एम का स्रूप है वो, वो वर्टिकल हो जाएगा मतलब एस ए स्ट्रेट लाइन अगर हमारा डिमांड फॉर मनी है वो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट से ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है देन द शेप ऑफ एल एमकव इज़ अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बट सपोज इफ डिमांड फॉर मनी इज अ वेरी सेंसिटिव टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट टाइम द शेप ऑफ एल एमकव इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मतलब अगर हमारा डिमांड फॉर मनी डिमांड फॉर मनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनसेंसिटिव है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है दैन टाइम द शेप ऑफ एल एमकव इज़ अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और अगर हमारा डिमांड फॉर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत सेंसेटिव है तो हमारा एल एमकव का जो शेप है वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट शिफ्ट इन अ एल अभी क्वेश्चन ये है कि एल एम कव राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड कब शिफ्ट करता है सो एल एमकव रिप्रेजेंट मनी मार्केट इट मीन दैट वेन देर विल बी चेंज इन अ मनी सप्लाई दैट टाइम एल एमका विल शिफ्ट राइट एंड लेफ्ट so whenever there is a change in a money supply that time lm curve will shift right and left so now we'll understand how lm curve shift right and left as you can see in the diagram y-axis indicate interest rate x-axis indicate real income and lm0 this is the original lm curve suppose if money supply increase if money supply increase lm curve शिफ्ट टू द राइट दैट इज़ अ एल एम वन एंड इफ मनी मनी सप्लाई डिक्रीज़ एल एम का शिफ्ट टू द लेफ्ट देट इज़ अ एल एम टू सो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो एल एम का राइट की तरह शिफ्ट करता है एंड वैन मनी सप्लाई डिक्रीज़ तो एल एम का लेफ्ट की तरह शिफ्ट करता है सो वैन एल एम का विल शिफ्ट फ्रॉम एल एम टू एल एम वन इट मीन दैट शिफ्ट न राइट हैंड साइड इट मीन मनी सप्लाई इनक्रीज वेन एल एम कव शिफ्ट फ्रॉम एल एम टू एल एम टू जीरो एल एम से एल एम टू हो रहा है इट मीन देट एल एम कव शिफ्टिंग टू द लेफ्ट देट टाइम मनी सप्लाई इज़ डिक्रीजिंग नेक्स्ट इक्लिबीरियम ऑफ अ मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट See, student, you can see in the diagram. We, now we now we will just make a combination of goods and money market related to goods market, or we can say I s curve. Already I made a video. So now we will understand equilibrium between goods and money market. You can see in the diagram y axis indicate interest rate, x axis indicate real income, and lm curve is upward sloping, and is curve is a downward sloping, and they both are get equilibrium with each other at point e at point e rate of interest is i0 and level of income is y0 but you can see here in the diagram that just wait for one minute student you can see here in the diagram that the shape of i-s curve is a downward sloping why because last time only i told you the shape of i-s curve is a downward sloping because रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम हैविंग इनवर्स रिलेशन सी आई एस का रिप्रेजेंट गुड्स मार्केट एल एम का रिप्रेजेंट मनी मार्केट जो आई एस का है वो डाउनवर्स स्लोप कर रहा है क्यों डाउनवर्स स्लोप कर रहा है बिकॉज देर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम एंड जो एल एम का है वो अपवर्ड स्लोप कर रहा है क्यू अपअर्ड स्लोप कर रहा है बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ Income. Now, what is the use of LM curve and IS curve? With the help of IL, LM curve and IS curve, we can understand about fiscal policy and monetary policy so remaining part will do in a next lecture so student it's my humble request please watch entire video now the more explanation related to equilibrium in goods market and money market that part will do in a next lecture so till that please watch entire video go through all the concept it will definitely help you in your exam thank you so much god bless you and please one more thing please share this channel to everyone subscribe like and comment that how my videos are helping you bye bye